चल रहा है। ଖେଳି ଯିବ ନା ଏଇଠି ଆସିବ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ବୋଧେ बैंक अकाउंट मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे बैंक अकाउंट खोलने के प्रोसेस के बारे में, क्या करें और क्या ना करें, जीबीटी लिंकिंग, बैंक अकाउंट के फायदे, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कैसे करें, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारत के पहले पेमेंट बैंक द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है, कस्टमर पास के बैंकिंग पॉइंट पर जाकर आधार ई केवाईसी का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ लेन देन करने और बैंक खाता खोलने के बैंकिंग पॉइंट के तौर पर बायोमेट्रिक डिवाइस तैयार रखें, कस्टमर को पैन और आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी तैयार रखने के लिए कहें, बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस लापू नंबर और पासवर्ड दर्ज करके मित्रा ऐप में लॉगिन करें, एयरटेल पेमेंट्स बैंक टैब पर टैप करें और लापू नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, ओपन बैंक अकाउंट पर टैप करें, पूछें क्या आप एक भारतीय नागरिक हैं, अगर कस्टमर भारतीय नागरिक नहीं है नो को सिलेक्ट करें तो बैंक अकाउंट खोलने का फ्लो यहां खत्म हो जाएगा, कस्टमर को बताएं कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट खोलने की अनुमति है, अगर कस्टमर एक भारतीय नागरिक है तो यस को सिलेक्ट करें, फिर कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर टैप करें, कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, कस्टमर से वेरिफिकेशन कोड लें, यहां दर्ज करें और सबमिट पर टैप करें, अब कस्टमर से आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में पूछें जो कस्टमर के पास है, आधार नंबर या कोई दूसरा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, कृपया ध्यान दें अगर कस्टमर के पास आधार नंबर नहीं है तो कोई दूसरा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का विकल्प सिलेक्ट करें और प्रोसीड पर टैप करें, बैंक अकाउंट खोलने का फ्लो यहां खत्म हो जाएगा, कस्टमर को बताएं कि हमने सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए आपकी रिक्वेस्ट ले ली है, हम अकाउंट खोलने के प्रोसेस के साथ आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर कस्टमर के पास आधार नंबर है तो आधार नंबर विकल्प को चुनें और प्रोसीड पर टैप करें, बायोमेट्रिक स्कैन स्क्रीन पर कस्टमर को टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने और चेकबॉक्स पर टिक करने के लिए कहें, कस्टमर से उनका आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी मांगे और यहां दर्ज करें, याद रखें कि कस्टमर से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के लिए हार्ड कॉपी ना मांगे, कस्टमर से पैन नंबर लें, पैन विकल्प पर टिक करें और दर्ज करें, यदि कस्टमर के पास पैन है तो पैन के बिना बैंक अकाउंट न खोलें, बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा कस्टमर के फिंगरप्रिंट को स्कैन करें, अगर कस्टमर के पास पैन नहीं है तो चेक बॉक्स को खाली छोड़ दें, या अगर कस्टमर ने पैन के लिए अप्लाई किया है तो यस विकल्प चुनें और पैन एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट दर्ज करें, अगर कस्टमर ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो नो विकल्प चुनें, बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा कस्टमर के फिंगरप्रिंट को स्कैन करें, सफल सत्यापन के बाद आधार से कस्टमर का विवरण प्रदर्शित किया जाता है, अगर कस्टमर का कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आधार के एड्रेस से अलग है तो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस को मैन्युअली दर्ज करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए एड्रेस प्रूफ टाइप चुनें, कैमरा आइकन पर टैप करें, एड्रेस प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी के हर साइड से 3 फोटो लें, फिर एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट के रूप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सत्यापित करें और चेक बॉक्स पर टिक करें, यदि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और आधार में दिया गया एड्रेस एक ही है तो चेक बॉक्स पर टिक करें और नेक्स्ट पर टैप करें, अब कस्टमर की दूसरी जानकारी जैसे पिता का नाम, माँ का नाम, मैरिटल स्टेटस, पेशा और एनुअल इनकम जो कस्टमर ने बताई है उसे दर्ज करें, यहाँ नॉर्मल कस्टमर के लिए नो और एसएमई कस्टमर के लिए यस सेलेक्ट करें, ये स्क्रीन कस्टमर को दिखाएं और नॉमिनी डिटेल्स देने के फायदे बताएं, नॉमिनी डिक्लेरेशन पर टिक करें,
कस्टमर से नॉमिनी की इंफॉर्मेशन लें और इसे सही सही भरें। जैसे नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जन्म की तारीख और अकाउंट होल्डर के साथ उनका रिलेशन दर्ज करें। याद रखें, ग्राहक का नाम या रिटेलर का नाम नॉमिनी के नाम में दर्ज नहीं किया जा सकता है। अगर नॉमिनी का एड्रेस और कस्टमर का कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों एक ही है तो चेक बॉक्स पर टिक करें। अगर अलग है तो कस्टमर से पूछें और नेक्स्ट पर टैप करें। शीघ्र और परेशानी मुक्त बीमा क्लेम के लिए कस्टमर को नॉमिनी की सही जानकारी देने के लिए सलाह दें। बीमा क्लेम करने के लिए नॉमिनी की सही जानकारी होना जरूरी है। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो गार्डियन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उम्र और रिलेशन दर्ज करें। यदि गार्डियन का एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स पर टिक करें, नहीं तो गार्डियन का एड्रेस दर्ज करें। प्लीज ध्यान दें कि गार्डियन की डिटेल्स कस्टमर की डिटेल से अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट पर टैप करें। कस्टमर से पूछने के बाद हर डिटेल्स सही ढंग से दर्ज करें। गलत डिटेल्स दर्ज करने से बैंक अकाउंट खोलने में परेशानी हो सकती है। अगर कस्टमर ने पैन की जानकारी नहीं दी है तो यहाँ फॉर्म 60 भरना जरूरी है। कस्टमर से एग्रीकल्चर इनकम और अदर इनकम के बारे में पूछें और यहाँ दर्ज करें। यहाँ कस्टमर से पूछें कि वे अपने बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं। यहाँ कस्टमर को 500 रुपए से अकाउंट खोलने का सुझाव दें, जिसमें सिर्फ 500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस बनाए रखने पर कस्टमर को 5 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। हमेशा कस्टमर को 500, 1000 या 5000 रुपए जैसे ज्यादा फंड से बैंक अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित करें। बैंक अकाउंट खोलने के तुरंत बाद कैश ना निकालें। अब पहली डिपॉजिट अमाउंट 500 दर्ज करें। पहली डिपॉजिट अमाउंट कम से कम 50 रुपए होनी चाहिए। अब कस्टमर को नियम और शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के लिए कहें और चेकबॉक्स पर टिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। कस्टमर फॉर्म 60 की जानकारी समरी स्क्रीन पर दिखाई देती है। कस्टमर के सामने डिटेल्स पढ़ें और कंफर्म करें कि जानकारी सही है। नेक्स्ट पर टैप करें। अब कस्टमर समरी शीट स्क्रीन पर दिखाई देती है। उसकी जानकारी कस्टमर से वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करें, फिर वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट पर टैप करें। यहाँ अपना पिन दर्ज करें और सबमिट पर टैप करें। अकाउंट खोलने के प्रोसेस को पूरा करने के लिए कस्टमर से बायोमेट्रिक डिवाइस पर एक फिंगर स्कैन लें। बैंक अकाउंट खोलने के प्रोसेस को पूरा करने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी का प्रोसेस शुरू करें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी भारत सरकार की एक पहल है जो सीधे आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में सब्सिडी को डायरेक्टली लिंक करती है। ध्यान दें कि डीबीटी का लाभ उठाने के लिए आप अपनी आधार की जानकारी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अगर कस्टमर डीबीटी को लिंक नहीं करना चाहता है तो नो पर टैप करें और सबमिट करें। सफल वेरिफिकेशन के बाद कस्टमर का बैंक अकाउंट बिना डीबीटी लिंक किए खुल गया है और कस्टमर को उनके मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज और वेलकम कॉल आएगा। यदि कोई कस्टमर अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी से जोड़ना चाहता है तो स्क्रीन पर यस चुनें और सबमिट बटन पर टैप करें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेन्यू पर दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट टाइम लिंकिंग और लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। फर्स्ट टाइम लिंकिंग का मतलब है कि कस्टमर ने अभी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ लेना शुरू नहीं किया है और अब वह पहली बार डीबीटी को एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट से जोड़ना चाहता है। फर्स्ट टाइम लिंकिंग पर टैप करें। कस्टमर को डिक्लेरेशन पढ़ने के लिए कहें और चेक बॉक्स पर टिक करें। यहां कस्टमर की सहमति जरूरी है। अब बायोमेट्रिक डिवाइस से कस्टमर के फिंगरप्रिंट को स्कैन करें। सफल सत्यापन के बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक हो जाएगा और जब भी कस्टमर डीबीटी का लाभ चाहेगा तो उसे लाभ इस बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, जिसे वह पास के बैंकिंग पॉइंट पर जाकर विथड्रॉ कर सकता है। सफल वेरिफिकेशन के बाद कस्टमर का बैंक अकाउंट डीबीटी लिंकिंग के साथ खुल गया है और कस्टमर को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज और वेलकम कॉल आएगा। लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट का मतलब है कि कस्टमर पहले से ही दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी का लाभ ले रहा है और अब वह अकाउंट खोलते समय एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहता है। लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट पर टैप करें। डीबीटी से जुड़े बैंक अकाउंट का नाम पूछें और ड्रॉप डाउन से इसे चुने।
अब बायोमेट्रिक डिवाइस से ग्राहक के फिंगरप्रिंट को स्कैन करें। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट को किसी दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक किया जाएगा और जब भी कस्टमर डीबीटी का लाभ चाहेगा तो उसे लाभ इस बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, जिसे वह पास के बैंकिंग पॉइंट पर जाकर विथड्रॉ कर सकता है। सफल वेरिफिकेशन के बाद कस्टमर का बैंक अकाउंट खुल गया है। अब कस्टमर को उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉन्फर्मेशन मैसेज और वेलकम कॉल आएगा। कस्टमर को बैंक अकाउंट के फायदे बताएं। 1,00,000 रुपए या 5,00,000 का फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस। महीने में कम से कम 10 रुपए का डेबिट लेन देन जरूरी है। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट 4% वार्षिक होगा। डिपॉजिट और विड्रॉल बैंकिंग पॉइंट पर कम से कम 10 रुपए के लिए किया जा सकता है। आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है। अपने अकाउंट से 330 रुपए की पेमेंट करें और PMJJBY के लिए 2,00,000 रुपए का इंश्योरेंस पाएं। कृपया कस्टमर को बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन से एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें और फीचर फोन से USSD कोड *400# और IVR 400 डायल करने के लिए कहें, जो कि एयरटेल कस्टमर के लिए है। नॉन एयरटेल कस्टमर से 8800688006 डायल करने के लिए कहें। कृपया अपना MPIN, वर्चुअल कार्ड नंबर और दूसरी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी ना दें और कस्टमर को भी यही सलाह दें। लेटेस्ट कमीशन के बारे में जानने के लिए माय ऑफर्स पर जाएं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ बैंक अकाउंट खोलने के प्रोसेस की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब ट्रेनिंग के आधार पर सर्टिफिकेशन पूरा करने का समय है। सर्टिफिकेशन पूरा करने के लिए 80% मार्क्स लाना जरूरी है। सर्टिफिकेशन